श्री अनुरुद्धाचार्य महाराज जी के विचारों के अनुसार अंडा मुर्गी का गर्भ है, उसका शिशु है जो अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। किसी का गर्भ खाना बहुत बड़ा पाप है। हिंदू धर्म में मांस खाने वाले को घोर नरक में जाना पड़ता है। किसी जीव को तड़पा तड़पा के मार के खाना महापाप है। परमात्मा ने हमारे लिए खाने की बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं और धरती पर जितने भी जीव हैं सबका खान पीन परमात्मा ने निर्धारित करके भेजा है। जैसे गाय घास खाती है और सुअर गंदगी खाता है, वे अपना धर्म कभी नहीं बदलते। ऐसे ही मनुष्य को भी अपना धर्म कभी नहीं बदलना चाहिए। जो मांसाहार करता है वो मनुष्य की श्रेणी में नहीं आता, वो मनुष्य राक्षस की भांति होता है। गीता के अनुसार भी अन्न से ही मन और विचार बनते हैं। जो मनुष्य सात्विक भोजन ग्रहण करता है उसकी सोच भी सात्विक होगी। अतः सात्विकता के लिए सात्विक भोजन, रास्तिकता के लिए राजसिक भोजन और तामसी कार्यों के लिए तामसी भोजन होता है। यदि कोई सात्विक व्यक्ति तामसी भोजन करने लगेगा तो उसके विचार और कर्म भी तामसी हो जाएंगे। जो मनुष्य दूसरे के मांस से अपना मांस बढ़ाना चाहता है उससे बढ़ के नीच और निर्दयी मनुष्य दूसरा कोई और हो नहीं सकता।